चंदौली जिले के कदवा थाना क्षेत्र के दरौली गांव में दिन में हुई मारपीट में घायल रामू यादव की शनिवार की सुबह इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और शव को लेकर मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने एसपी सुखराम भारती से मिलकर मांग किया कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। एएसपी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बताते चले कि दरौली गांव के निवासी रामू यादव और विजय यादव के बीच खेत में मिट्टी डालने के दौरान विवाद हुआ था। 30 मई को सुबह खेत की तरफ जाने के दौरान कुछ लोगों ने घेर कर रामू की जमकर पिटाई कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे रामू के बड़े बेटे अशोक यादव को भी गंभीर चोटें आई। परिवार के लोगों ने दोनों को आनन फानन में बरहनी CHC पर भर्ती कराया। खेत गए रामू की दबंगों ने की थी पिटाई, जहां दोनों की हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। दूसरी ओर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने भी रामू की हालत ज्यादा गंभीर देख वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जबकि अशोक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वही ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान रामू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को लेकर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर बहू गीता यादव ने एएसपी सुखराम भारती से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की। बाकी आरोपी अभी भी घूम रहे हैं, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर उन्होंने गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद परिजनों ने शव को लेकर दाह संस्कार के लिए निकल गए। लाइन में आई है, आपके साथ डेड बॉडी भी है, क्या मामला है, क्या करने आई है? एडिशनल साहब से मिली, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है? चार लोग। अभी तक पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी वगैरह? पुलिस को गिरफ्तारी अभी नहीं की है। अभी आप एडिशनल साहब से मिली हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? पकड़ने के लिए हम यही चाहते हैं ना कि लोगों को 300 धारा लगाना चाहते हैं।